नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है और नाइन्थ क्लास के बच्चे इस बात पर ध्यान देवें, हम चाहते हैं कि आप लोग फिजिक्स में इतना पढ़ लें कि आपका बेस जो है इतना स्ट्रांग हो जाए कि फिर टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास आपको बहुत आसान लगे। तो नाइन्थ क्लास के बच्चे ध्यान देवें, आपका सबसे पहला चैप्टर है मोशन का, तो मैं मोशन वाला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें आप मेरे एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को, एक एक एक्टिविटी को, जो जो मैं कर रहा हूं वो सब आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नोट्स आप डेट वाइज बनाएंगे, जैसे आज का जो लेक्चर है तो आज की डेट डालेंगे नोट्स में, है ना। क्या डेट है आज की? आज की डेट है शायद 4 अप्रैल, है ना। तो 4/4/2020 ऐसे डेट डाल करके आप लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि सारे नोट्स एकदम सिस्टमेटिक रहेंगे। तो उद्देश्य क्या है आज का वीडियो बनाने का? आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि नाइन्थ क्लास का जो बच्चा है वो धीरे 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 करके फिजिक्स को इतना बढ़िया तरह से समझ जाए कि उसके बाद उसको फिजिक्स आगे की डिफिकल्ट ना रहे। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है लाइक करिए, जिससे कि वो वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। जो भी नया वीडियो आएगा एकदम सीरीज में आएंगे। पूरा नाइन्थ क्लास का कोर्स जो है हम लोग अक्टूबर तक पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, चैप्टर का नाम है मोशन, ठीक है। ये मोशन वाला चैप्टर मैं बहुत डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन आज मैं केवल इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे इस चैप्टर की डिटेलिंग करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले जिस टर्म की बात करूंगा वो बात करूंगा रेस्ट की, उसके बाद में मैं बात करूंगा मोशन की, उसके बाद में मैं बात करूंगा रिलेटिव मोशन की, ठीक है। रिलेटिव मोशन के बाद में मैं बात करूंगा डिस्टेंस की, डिस्टेंस की, और डिस्टेंस के बाद में बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट के बाद में हम बात करेंगे स्पीड, स्पीड के बात करेंगे, बाद में बात करेंगे वेलोसिटी की, वेलोसिटी के बाद बात करेंगे एक्सीलरेशन की, हाँ? स्पीड में हम दो तरह की बात करेंगे, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस इसकी बात करेंगे। वेलोसिटी में भी हम ऐसा ही करेंगे, एवरेज की बात करेंगे एंड इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, इसी तरीके से हम एक्सीलरेशन में भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। ये मैंने आपको चैप्टर का एक तरीके से पूरा जो है ना स्ट्रक्चर बता दिया है कि हम क्या क्या बातें करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता दूंगा। देखो, चैप्टर में जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम रेस्ट को डिफाइन करेंगे, रेस्ट को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस रेस्ट पर हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवल रेस्ट वर्ड पर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता ही नहीं है, है ना। हाँ, रेस्ट वर्ड पर तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बनता है। फिर मोशन, मोशन पर हम डिस्कस करेंगे, यहां भी हम कोई न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे। रिलेटिव मोशन पर भी हम आपको समझाएंगे कि होता क्या है। डिस्टेंस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, डिस्टेंस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, स्पीड पर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पर ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इससे आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी शर्त है बहुत सारे न्यूमेरिकल कर डालना। जब आप ढेर सारे सवाल कर डालते हैं, जब आप बहुत सारे इधर उधर के बहुत सारे क्वेश्चन कर डालते हैं, तो फिर फिजिक्स आपको आ जाती है, फिर आपके लिए फिजिक्स आसान बन जाती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक टर्म पर जिसे हम कहते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है नो मोशन। रेस्ट का सबसे सिंपल शब्द है नो मोशन, नो मोशन, और क्या कहेंगे, नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन, है ना।
रेस्ट ये है, इफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स ऑन पोजिशन with respect to some reference point. आप नोट करिए रेफरेंस पॉइंट, देखो मैं बात को मैं समझा रहा हूं बहुत ध्यान से। रेस्ट वर्ड की सबसे सिंपल मैंने डेफिनेशन बता दी, नो मोशन, नो चेंज इन पोजिशन, तो इसका मतलब रेस्ट है। इफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स ओन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, अभी खड़ा हूं बिल्कुल, तो मैं खड़ा हूं तो कैमरे से मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, पोजीशन बदल नहीं रही है। इसी तरीके से मेरी कमरे की जो दीवारें हैं वहां से भी मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है। मैं यहां खड़ा हूं, मैं उधर देख रहा हूं, वहां एक दीवार है मेरे सामने, वो दीवार जहां है हमेशा वही है, मैं भी वही हूं, मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है, इसका मतलब मैं रेस्ट पर हूं। अगर मेरी पोजीशन बदल जाए तो फिर मैं रेस्ट पे नहीं रहूंगा। मैं रेस्ट पे क्यों हूं? क्योंकि मेरी पोजीशन उस दीवार से नहीं बदल रही है। मैं रेस्ट पर क्यों हूं? क्योंकि मेरी पोजीशन इस बोर्ड से नहीं बदल रही है, है ना? अगर मेरी पोजीशन बदल जाए, मेरी पोजीशन बदल गई है, मैं कुछ पास में आ गया हूं उस दीवार के, है ना, तो इसका मतलब है कि मोशन हो गई, इसका मतलब मोशन हो गई। देखिए ये रेस्ट है ना, रेस्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। बात को समझिए, रेस्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म बट एक्चुअली रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। रेस्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब होता है कि रेस्ट को हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, फिक्स नहीं कह सकते कि सब लोग एक जैसा जवाब देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है साहब, बहुत लंबी रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी में एक इंजन है, मान लो यहां पर आप बैठे हैं, तो सपोज यू आर स्टैंडिंग हियर, राइट। अब आप यहां पर अपने बैठे हुए, मान लो सिटिंग, यू आर सिटिंग इन द ट्रेन। अब ट्रेन में सिटिंग है, आपका एक फ्रेंड और भी बैठा हुआ ट्रेन में बैठा हुआ है, राइट। अब आप बताइए, अगर ये ट्रेन चल रही है तो आपका फ्रेंड आपको बैठा हुआ कहेगा या चलता हुआ कहेगा? ट्रेन के अंदर, दोनों ट्रेन के अंदर है तो दोनों एक दूसरे को कहेंगे बैठे हुए, है ना। जैसे मान लो दो भाई बहन जा रहे हैं, अब घर से फोन आया क्या कर रहे हो, तो कहोगे बैठा है, ट्रेन के अंदर जा रहे हो, बैठ रहे हैं, है ना। ये थोड़ी कहोगे कि जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टेशन पर खड़ा हुआ व्यक्ति आपको देखता है तो आप कहेंगे, वो कहेगा जा रहे हैं। तो आप देखिए दोनों का मेजरमेंट अलग अलग हो गया, दोनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो गया, दोनों का जो है ना स्टेटमेंट अलग अलग आ गया। आप देखिए दो स्टेटमेंट अलग अलग आ रहे, जो ट्रेन में लोग बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को रेस्ट पर बता रहे हैं, ट्रेन पे बैठे हुए लोग एक दूसरे को रेस्ट पर बता रहे हैं, लेकिन जो जमीन पर खड़ा है वो जो है व्यक्ति कह रहा है कि द पर्सन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन इज गोइंग टू दिल्ली, द पर्सन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन इज गोइंग टू दिल्ली, ऐसे बोल रहा है। तो ये रेस्ट भी अलग अलग हो गई ना। हाँ, एक आदमी हो सकता है रेस्ट बोले, दूसरा आदमी ना बोले। जैसे
हमारी धरती माता, हमारी अर्थ क्या कर रही है, लगातार अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही है, राइट। मैं इस समय मेरे कमरे में खड़ा हूं, करेक्ट, मैं खड़ा हूं इस समय मेरे कमरे में खड़ा हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय। ये तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरे सारे घर वालों का ऑब्जर्वेशन है, मेरे सारे परिवार वालों का ऑब्जर्वेशन है कि मैं यहां खड़ा हूं। लेकिन अगर कोई चंद्रमा पर है, मून पे है कोई, तो बताइए मून का जो व्यक्ति है वो मेरे को कैसे देखेगा? मून वाला व्यक्ति को तो मैं रेस्ट पर दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि मून खुद ही चल रहा है, अर्थ भी घूम रही है, तो मेरी पोजीशन रेस्ट पर नहीं है, लेकिन एक कंडीशन में रेस्ट पर है, है ना। तो ये बात है कि रेस्ट जो है ना, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रेस्ट एक रिलेटिव टर्म है। अलग अलग आदमी का जो स्टेटमेंट है वो बदल जाएगा रेस्ट को लेकर। अगर मान लो दो बस अगल बगल में चल रही है, तो एक बस का पैसेंजर दूसरी बस के पैसेंजर को चलता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन एक ही बस में बैठे हुए पैसेंजर जो एक ही बस में बैठे हैं वो एक दूसरे को मौसम में दिखाई नहीं देंगे। तो ये बात है। चलिए अब हम बात करेंगे मोशन की। तो रेस्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि रेस्ट जो है ये एक रिलेटिव टर्म है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, और रेस्ट में कभी भी मोशन में चेंज, वो सॉरी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी चलती हुई भी रेस्ट पे हो किसी एक रेफरेंस फ्रेम में, है ना। ट्रेन जब चल रही है, ट्रेन के सारे यात्री एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, लेकिन वास्तव में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पर नहीं है, मोशन में। चलिए इसके बाद हम अगला टर्म पे बात करेंगे, मोशन। देखिए मोशन के अंदर क्या होता है, व्हेन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, चेंजेस विद टाइम, व्हेन पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम, देन इट इज कॉल्ड मोशन। व्हेन पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेज विथ टाइम, देन इट इज कॉल्ड मोशन। तो देखिए मोशन मीन्स चेंज इन पोजिशन, बस यही है, यही। अब देखिए इसमें भी मैं एक लाइन फिर से बोलूंगा, है ना। बताऊ क्या, मैं फिर से बोलूंगा, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। यहां पर मैं बहुत स्ट्रिक्टली एक बात बोल देना चाहूंगा कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव, नो वन इज एब्सोल्यूट, है ना। रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव, नन इज एब्सोल्यूट, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो बदलेगा नहीं, जो सब हालातों में सब रेफरेंस में एक ही जवाब देगा, उसे एब्सोल्यूट कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मोशन भी रिलेटिव है और रेस्ट भी रिलेटिव है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लो एक कार यहां है, दोनों कार खड़ी है, इस कार में एक बच्चा है, इस कार में भी एक बच्चा है, दोनों कार खड़ी है ना। ये बच्चा कहेगा कि वो खड़ा है, वो बच्चा कहेगा कि वो भी नहीं चल रहा। इसको रेस्ट पर बताएगा वो बच्चा और उसको रेस्ट पर बताएगा वो बच्चा, क्योंकि दोनों कार खड़ी है। अब एक तीसरी कार मान लो आ रही है और ये तीसरी कार इधर से आ रही है ऐसे। अब देखो क्या क्या स्टेटमेंट आएंगे, जब कार इधर से आ रही है
तो शुरू में ये बच्चा कहेगा कि ये कार मेरे पास है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब कार ऐसे जा रही है तो शुरू में ये वाला बच्चा कहेगा कि ये कार मेरे पास है, क्योंकि उसके पास में है, उसके नजदीक है। फिर क्या होगा, ये कार आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। जब ये कार आगे बढ़ेगी तो ये बच्चा कहेगा कि दिस कार इज कमिंग क्लोज टू मी, दिस कार इज कमिंग क्लोज टू मी। ओके, ये बच्चा क्या कहेगा, ये बच्चा कहेगा दिस कार इज मूविंग अवे फ्रॉम मी। अब देखो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है ना, मैं थोड़ा इस डायग्राम को बहुत अलग तरह से समझाता हूँ। देखिए मोशन रिलेटिव टर्म है, ये समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो मोशन इज ए रिलेटिव टर्म और बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझा रहा हूँ मैं, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। देखो मैं तीन कार बना रहा हूं, ये कार ए है, कार ए में गोलू बैठा है, तुम बैठा है गोलू, कार ए में क्या बैठा है गोलू। फिर यहां पे कार बी है, कार बी में कौन बैठा है बताओ, क्या नाम है कार बी में जो बैठा है उसका, किसी बच्चे का नाम गोलू मोलू है, इसका नाम मोलू है। ठीक है, एक कार ए है और एक कार बी है। फिर अब कार सी है, देखिए कार सी में क्या, कार सी में गोलू मोलू बैठा है, इधर सोनू बैठा है। अब देखो क्या होने वाला है, कार सी मान लो इधर चल रही है तो पता है क्या बोलेगा, गोलू बोलेगा, गोलू रेस्ट पर है, गोलू रेस्ट पर है, मोलू भी रेस्ट पर है, राइट, सोनू अकेला चल रहा है। तो गोलू क्या बोलेगा, गोलू बोलेगा सोनू इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम मी, सोनू इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर जा रहा है। मोलू क्या बोलेगा, मोलू बोलेगा सोनू इज अप्रोचिंग टू मी। देखो रिलेटिव बात हो गई, चलने वाला एक ही आदमी है, चलने वाला सोनू ही है, सोनू की कार चल रही है, लेकिन गोलू और मोलू दोनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, दोनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है। एक बच्चा कहेगा कि रिसीविंग अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर जा रही है, दूसरा बच्चा कहेगा अप्रोचिंग क्लोजर टू मी, मेरे पास आ रही है। इसका मतलब दूर और पास, ये एक रिलेटिव टर्म है कि कौन दूर जा रहा है कौन पास आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अब देखिए आप एक बात और कर देते हैं, मान लो ये सी कार है, मान लो ये ए कार है। फिर से देखना, मैं कुछ अलग तरह की सिचुएशन खड़ी कर रहा हूं, मुझे रिलेटिव मोशन को समझाना है आपको, है ना, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। मोशन की डेफिनेशन तो आपको समझाई दी, एक एक चीज नोट कर लीजिएगा। अब देखो मान लो ये कार चल रही है, मान लीजिए ये कार चल रही है 20 की स्पीड से, मान लो ये कार चल रही है इधर की तरफ 10 की स्पीड से, मान लो ये कार चल रही है इधर की तरफ 30 की स्पीड से। अब बताइए क्या क्या होगा, एक काम कार चल रही है 10 की स्पीड से, ये कार चल रही है 20 की स्पीड से, 10 की स्पीड से, और ये 30 की स्पीड से जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तीनों की सेम है, तीनों की सेम है। देखिए मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव टर्म की, रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन को समझ रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है दुनिया में है? मैं बता क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दिस कार ए इज अप्रोचिंग क्लोजर टू सी। देखो इसकी स्पीड तेज है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड कम है, तो ये वाली कार इसके पास आ रही है। ओके, तो ए इज अप्रोचिंग क्लोजर टू सी। ओके, क्या ये सी ए से दूर जा रही है, क्या दिस कार सी इज मूविंग अवे फ्रॉम ए, आई विल से नो, सी इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू ए, दोनों के बीच डिस्टेंस कम हो जाएगी टाइम के साथ, इसकी स्पीड तेज है, इसकी स्पीड स्लो है, आगे वाली कार धीरे चल रही है,
पीछे वाली कार तेज चल रही है तो डिस्टेंस कम होगी, इसका मतलब दोनों कार एक दूसरे के पास आ रही हैं, ए भी पास आ रही है और सी भी सच में पास ही आ रही है, भले ही उसका ड्राइवर उधर ले जा रहा है लेकिन सच में तो पास ही आ रही है, इसके लिए, इसके ए के लिए, चलिए ठीक है। ए एंड सी बोथ कार्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाला इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि ये कार दूर जा रही है और डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, इससे भी बढ़ेगी उससे भी बढ़ेगी, यानी कि दिस कार इज रिसीविंग अवे फ्रॉम बोथ दी कार्स। हाँ जी, ये कार सी से दूर जा रही है, ये कार सी से दूर जा रही है, सॉरी ये सी है, ये बी, कार बी इज गोइंग अवे फ्रॉम सी, कार बी इज ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम ए, कार बी इज नॉट अप्रोचिंग टू एनी कार। अच्छा, मेरा प्रश्न अब है कि क्या कार सी बी के पास में आ रही है? डू यू फील दैट कार सी इज अप्रोचिंग क्लोज टू बी? नो, अप्रोचिंग टू बी, नो नो नो, कार सी भी बी से दूर ही जा रही है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी, दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी। अगर कुछ ऐसा हो जाता, अगर कुछ ऐसा हो जाता, ध्यान दो मैं थोड़ा सा हालात बदल दे रहा हूं, हालात बदलते ही आपके जवाब बदल जाएंगे अपने आप, याद कुछ नहीं करना जा रहा, याद कुछ भी नहीं करना है, याद करना पाप है, देखो अगर ये एक कार 10 की स्पीड से चले, ये कार 30 की स्पीड से चले और ये कार 20 की स्पीड से चले तो क्या हो? अब बताओ क्या हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए क्या, अगर ये कार 10 की स्पीड से चल रही है और वो कार 30 की स्पीड से चल रही है तो ये तेज चल रही है और वो स्लो चल रही है, इन दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। देखिए यहां जो ऊपर वाला एग्जांपल था ना, उसमें इन दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस घट रही थी, ये 20 से चल रही है, 30 से चल रही थी, दोनों कार एक दूसरे के पास आ रही थी तो अप्रोच क्लोजर यहां पर थी, अप्रोच क्लोजर। ये यहां वाला केस था अप्रोचिंग क्लोजर, राइट। लेकिन यहां मामला अलग है, ये 10 से वो 30 से तो तेज है, बहुत तेज, तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो यहां होगा रिसीड अवे, यहां का क्लेम क्या होगा? रिसीड अवे, रिसीड अवे। अच्छा अब आप देखिए कि जैसे यहां हो रहा था, यहां क्या हो रहा था, ये स्पीड तेज थी और ये स्पीड कम थी, तो यहां पर रिसीड अवे हो रहा था, दूर जा रहे थे, दूर जा रहे थे, रिसीडिंग अवे। लेकिन यहां क्या हाल होगा, वो 20 की स्पीड पे है और ये 30 की स्पीड पे है, तो नेचुरली है कि दे आर अप्रोचिंग क्लोजर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर दी हैं और ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, अगर ये समझ में आ गई तो आगे की फिजिक्स आपको आ ही जाएगी, आगे बहुत सारी कैलकुलेशन हमको करनी है, लेकिन अगर आपको ये छोटी छोटी बारीक बारीक सी बातें समझ में आ गई तो आगे का चीज आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए मैं एक बार वापस से रीविजिट करता हूँ क्योंकि ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ हमने कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं की है लेकिन हमने बड़ी मतलब की बात की है इसमें। सबसे पहले तो आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको मोशन का जो चैप्टर है उसका पूरा ओवरव्यू क्लियर कर दिया, चैप्टर क्या है, हम क्या क्या करेंगे इस चैप्टर में, वो मैंने आपको डिटेल में अच्छी तरह से बता दिया है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम रेस्ट को डिफाइन करेंगे, रेस्ट के बेसिस पर हम केवल बातें करेंगे, केवल हम उसको थ्योरेटिकली समझेंगे, हम डिफाइन करेंगे रेस्ट को, रेस्ट को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे अपनी स्पिरिट में से, मोशन को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, रिलेटिव मोशन को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम यहां कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करेंगे, है ना। लेकिन फिर उसके बाद में हम बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस जो है एक स्केलर टर्म है, मैं आपको कल वाले मतलब अगले लेक्चर में बताऊंगा, अगला लेक्चर भी हो सकता है आज ही आ जाए, है ना।
तो उस अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, और डिस्टेंस के हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा और डिस्प्लेसमेंट के भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा। स्पीड दो तरह की बताएंगे हम, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी भी मैं दो तरह की बताऊंगा, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एक्सीलरेशन भी मैं दो तरह की बताऊंगा, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। और बस इतना करते ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और मैं आपको बताऊं कि हम बहुत सारे इनमें न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद देखिए मैंने क्या किया, आज आपको रेस्ट को डिफाइन किया, रेस्ट की कितनी सिंपल डेफिनेशन बता दी, नो मोशन माने रेस्ट, नो मोशन माने रेस्ट यानी नो चेंज इन पोजिशन माने रेस्ट। इफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, इफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स ओन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट देन इट इज कॉल्ड एज रेस्ट, देन इट इज रेस्ट। यहां लिख सकते हो आप, देन इट इज एट रेस्ट, देन इट इज एट रेस्ट, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब देखिए, रेस्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी और इसी को हमने आगे तक एक्सप्लेन किया है, बट एक्चुअली रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वेशन आता है ना, एक चीज किसी एक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हो सकती है, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है, बिल्कुल, है ना। जैसे बस में दो यात्री बैठे हैं, अगर बस में दो यात्री बैठे हैं तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं, दोनों बातें कर सकते हैं, दोनों एक साथ खाना खा सकते हैं, दोनों एक साथ पी सकते हैं, बस के अंदर बैठे हैं। ट्रेन में दो यात्री बैठे हुए हैं तो दोनों यात्री ट्रेन में बैठे बैठे खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, है, क्योंकि दोनों रेस्ट पर हैं। लेकिन बाहर जो आदमी खड़ा है, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वो रेस्ट पर नहीं है, ट्रेन के लोगों के रेस्ट है। तो ये देखिए अलग अलग बात होगी ना, है? वैसे जो है ना, देखो ग्राउंड पर खड़ा है एक आदमी ग्राउंड पर खड़ा है, मैं खड़ा हूं और उधर से ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन वाले सारे के सारे बैठेंगे, बोलेंगे देखो ट्रेन में एक बच्चा खड़ा होता है ना, वो बोलता है हाथी गया, हाथी के खड़ा होता है बाहर, ट्रेन में एक बच्चा जा रहा होता है खिड़की में से, एक हाथी जो है बंधा हुआ था साइड में, तो बच्चा बोला वो हाथी गया, अरे हाथी गया नहीं है, तुम गए हो, हाथी तो वही है, है? तो देखो कैसे बोलता है, ट्रेन बैठा बैठा बच्चा कहता है पेड़ गया, ट्रेन बैठा बैठा बच्चा कहता है ऊंट गया, कैमल गया, है? ये क्या, कोई नहीं गया भाई, खुद बच्चा गया है लेकिन वो कहता है दूसरे गए हैं। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेटिव ऑब्जर्वेशन है, कि जो चल नहीं रहा उसे तो मौसम में बता देता है, जो चल रहा है वो कहता है मैं रेस्ट पर हूं। ट्रेन में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा कहता है मैं तो बैठा हूं, ट्रेन में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा कहता है मैं तो बैठा हूं, लेकिन वो ट्रेन में बैठा हुआ बच्चा बाहर जो हाथी खड़ा है चुपचाप उसको कह रहा वो गया, जबकि वो गया कहां, वो खड़ा गए तो तुम। ये रिलेटिव बातें हैं, बस इसी ये बात अगर आप समझ गए तो इसका मतलब है कि आपको इस चैप्टर का पूरा जो है ना कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरी बात मैंने मोशन की थी, व्हेन पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद टाइम देन इट इज कॉल्ड मोशन। मोशन मींस चेंज इन पोजीशन, यस, मोशन इज आल्सो अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म ऐसे कि कोई मोशन किसी के रेस्पेक्ट में तेज हो रही है, कहीं डिस्टेंस बढ़ रही होती है, कहीं डिस्टेंस घट रही होती है, अलग अलग सिचुएशन होती है बेटा, है ना। जैसे मैंने देखो यहां पे अलग अलग एग्जांपल ले लेके आपको बताया है, ये कार स्लो थी, ये तेज थी, वो बहुत तेज थी, है ना, तो ये कार अप्रोच कर रही थी, अप्रोच कर रही थी तो यहाँ पे ये बढ़ गया, है ना, ये सॉरी अप्रोच कर रही थी तो ये डिस्टेंस घट गई, फिर ये रिसीव कर रही थी ये डिस्टेंस बढ़ गई है, यहाँ पर जो है इसकी वेलोसिटी कम है तो ये डिस्टेंस जो है ना, इसकी वेलोसिटी कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ गई है तो रिसीव अगर हो गए, यहाँ पर अप्रोचिंग क्लोजर हो गया, डिस्टेंस कम हो रही है, यानी कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है जो कि रिसीव अगर होती है और मतलब कभी अप्रोच हो जाती है, पास में जाती है, ये डिपेंड करता है कि कौन तेज चल रहा है कौन धीरे चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके बाद में हम जो अगली बात करेंगे वो बात करेंगे डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइड टर्म है, और ये सब ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये लेक्चर शायद आज ही आपका अगला लेक्चर आ जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर, है ना, और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीजें समझा देगा, तो इसको आप थोड़ा सा जो है इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखना, और इस लेक्चर को बेसिकली आपका
वो एक माइंड सेट बनाने का प्रयत्न किया है मैंने कि आपका माइंड सेट बन जाए मोशन को लेकर के। हाँ, आपके पास में दो बुक होनी चाहिए, एक एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए, एक आती है फिजिक्स की इफेक्चुअल, फिजिक्स इफेक्चुअल, इफेक्चुअल बहुत अच्छी बुक है फिजिक्स की। ये इफेक्चुअल वाली बुक आपके पास होनी चाहिए, फिजिक्स इफेक्चुअल। हाँ, इफेक्चुअल की बुक आती है, ये पता नहीं कौन सी पब्लिकेशन की होती है, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये फिजिक्स की एक बुक आती है इफेक्चुअल, ये आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक तो आपके पास में होनी ही चाहिए, एनसीईआरटी बुक के सारे सवाल आप लोग कर दिए। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एनसीईआरटी की बुक के एक एक एग्जाम्पल कर डालिए, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन कर डालिए, मैं आपको सारे सवाल करा दूंगा। यानी मेरे जो वीडियो आएंगे, मेरे वीडियो में क्या क्या होगा वो मैं बताऊंगा कि व्हाट विल हैप बी इन माय वीडियोस। 9th और 10th क्लास दोनों के मेरे वीडियो आएंगे, 9th क्लास के भी आएंगे एंड 10th क्लास के भी आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। हाँ, बच्चे सभी सुन रहे हैं, आज पहला वीडियो है, 9th क्लास और 10th क्लास के मेरे वीडियो आएंगे 100%, पूरे वीडियो आएंगे 100%, है ना, कंप्लीट सिलेबस होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके कोई पैसे वैसे नहीं होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये 9th 10th के वीडियो में क्या आएगा वो मैं बताऊं, 9th 10th के वीडियो में एनसीईआरटी 100% सॉल्व आएगी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 100% सॉल्व होंगे। इसके अलावा इफेक्चुअल जो बुक है ना, ये 100% सॉल्व होगी, 100% सॉल्यूशन। यानी एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं, जितने एक्सरसाइज हैं, जितने सब कुछ सॉल्व होंगे, सब कुछ सॉल्व होंगे, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का जो वीडियो आएगा, अब जो है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, आज एक्चुअल में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, उसमें हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे। मैं एक तो डिस्टेंस को डिस्कस करूंगा, डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करूंगा और स्पीड को डिस्कस करूंगा। राइट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने जो बातें की हैं, ये सब आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, कोई भी चीज कटनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, छूट गई तो ये समझ लीजिए कि आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप एकदम कंप्लीट कर लीजिए इसको और अगले वीडियो का वेट करिए।